हाँ यही नदी है, रावण जो लोग शंका किया है वही रावणा खा रहे हैं। यही ये तो देख सकते हैं, ये जो रावण ने लघु शंका किया था, थोड़ा बहुत पानी जो है वो बचा हुआ। रावण ने जो लघु शंका किया था वो अभी देखिए हर जगह तो सूख गया, इधर जो है थोड़ा सा बच गया है। भगवान विष्णु तो बेचैन हो गए, अब क्या करें। वो लघु शंका में गए तो 7 दिन 7 रात उनको लघु शंका चलते रहा। चिता भूमि में अभी तो बाबा यही है। चिता भूमि में क्या था, माता सती का हृदय गिरा था, वही भगवान विष्णु ले आके माता सती के हृदय पर भोले बाबा बैठा दिए। एक डाउट है कि जब रावण ने लघु शंका कर रहा था तो क्या उसके मन में क्या था कि इस क्षेत्र को पूरा डुबाने का कोशिश कर रहे थे क्या? हर हर महादेव नमस्कार। तो अभी हम इस वक्त हैं हरला जोड़ी में, और जो कि हरला जोड़ी है देवघर में पड़ता है। देवघर यानी कि बाबा धाम से 5 किलोमीटर की दूरी पर ये हरला जोड़ी है जहाँ पर रावण ने लघु शंका किया था। तो अभी हम वहाँ पर हैं और उस मंदिर को हम आपको दिखाएँगे, उस नदी को दिखाएँगे कि वो नदी अभी कैसा दिखता है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो देख सकते हैं ये है दुर्गा माँ का मंदिर, और इसके भीतर चलते हैं। इसके भीतर में कौन सा भगवान है, कहाँ कहाँ स्थापित है, वो हम आपको पूरा दिखाएंगे। चलिए अंदर चलते हैं। तो देख सकते हैं अभी हम गेट के अंदर जो है एंट्री कर चुके हैं, और यहाँ जो है शादी ब्याह भी किया जाता है, करवाया जाता है। और ये देख सकते हैं जब आप गेट से एंट्री करेंगे तो ये सीधा जो है ये बाबा धाम यानी कि बाबा भोलेनाथ का, शिव शंकर का ये मंदिर आपको डायरेक्ट जो है वो दर्शन होगा, देख सकते हैं। और ये राइट साइड में है हनुमान जी का मंदिर, और इसके ठीक बाबा भोलेनाथ के मंदिर के ठीक सामने माता पार्वती का मंदिर है, देख सकते हैं। और माता पार्वती मंदिर के लेफ्ट साइड में जो है वो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, और बाबा भोलेनाथ मंदिर के राइट साइड देखेंगे तो राम लक्ष्मण सीता जी का मंदिर है, देख सकते हैं इधर विराजमान है साक्षात। और तो हर हर महादेव बाबा, हर हर महादेव। तो बताइए यहाँ का क्या रहस्य है हरला जोड़ी का? हरला जोड़ी का माना क्या हुआ, हरी और हर का मिलन होना। ये है कि शंकर जी का घर कहाँ, कैलाश पर्वत। और रावण का घर कहाँ, लंका। ये रोज रोज लंका से जाते थे कैलाश पर्वत इनको पूजा करने। पूजा करते 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 इनके मन में भावना उत्पन्न हो गया कि अब हम नहीं जाएंगे। एक सप्ताह इनका घर हाजिरी हो गया। भोलेनाथ आकर के इनको पकड़ा कि क्या बात है रावण, एक सप्ताह से तुम्हारा घर हाजिरी है। हाँ प्रभु जी, बात तो कुछ नहीं है, हम जाने का सक्षम है अब नहीं है। अब तो आपको द्वादश ज्योतिर्लिंग है यानी 10 और 2 12 जिसमें से कामना लिंग यदि हमको मिल जाए तो हम अपना जहाँ इच्छा वहाँ पर मंदिर बना के पूजा पूजी करेंगे। और बोले ठीक है, हे मस्त तू जाओ, हम तुम्हारे साथ जाएंगे, कहीं रखेगा तो फिर हम उठेंगे नहीं। और बोले ठीक है। अब कैलाश पर्वत में शंकर जी को उठाया, विमान से आते आते यहाँ तक आते आते उनको रोकना पड़ा। बड़ा जोर से लघु शंका लग गया। आप तो ज्ञानी आदमी है, तो लेके लघु शंका कर नहीं सकता है। तो भगवान विष्णु का आवाहन किया, वो बूढ़े ब्राह्मण का उद्धारण करके आ गए। बोला महाराज जी सुनो सुनो सुनो। बोला ये शंकर जी का लिंग है, 1 घंटा आप थामिए, हम लघु शंका से आकर के ले लेंगे। क्योंकि ठीक है 1 घंटा नहीं, हम 2 घंटा थामेंगे, इससे अधिक देर आप कीजिएगा तो हमारा जहाँ मर्जी होगा जहाँ रख देंगे। और बोले ठीक है। जब वो लघु शंका में गए तो 7 दिन 7 रात उनको लघु शंका चलते रहा। अब भगवान विष्णु तो बेचैन हो गए, अब क्या करें। तो ध्यान धर के देखे तो ये दक्षिण दिशा हुआ बाबा धाम। अब बाबा धाम जो है वो चिताभूमि है, और चिताभूमि में अभी तो बाबा यही है। चिताभूमि में क्या था, माता सती का हृदय गिरा था, वही भगवान विष्णु ले आके माता सती के हृदय पर भोले बाबा बैठा दिए। उस समय से वो हो गए हृदयापीठ, बाबा बैजनाथ धाम हृदयापीठ है, मार हृदय ऊपरे भोला बाबा बसे आचन। फिर रावण ने उस शिवलिंग को उठाने की कोशिश नहीं किया? रावण कहते हैं कि भोलेनाथ अब चलिए हमारे साथ, हैं अब तो हम अपना गहवर में बैठ गए, सती के साथ हम बैठ गए, अब हम नहीं जाएंगे। नहीं जाइएगा? हाँ नहीं जाएंगे, आप नहीं जाइएगा तो आपको पाताल भेज देंगे। तो आज से 20-22 वर्ष पहले लोग जो आए हैं यहाँ वो देखे हैं कि शंकर जी के लिंग ऐसे झुका हुआ था। अभी तो मसाला दे करके बराबर कर दिया है, किंतु ऐसे झुके हुए थे वो। तो अभी जो है हम रवना नदी की ओर जा रहे हैं जहाँ रावण ने मतलब लघु शंका करके पूरे नदी को तालाब को भर दिया था। तो अभी हम उस नदी की ओर आ रहे हैं। हाँ यही नदी है, रावण जो लघु शंका किया है वही रवना खा रहे हैं। यही ये तो देख सकते हैं, यही जो है ये रवना खार है, ये रवना खार नदी से बोला जाता है। रावण मुता था, ये लघु शंका किया था, देखिए वो अभी भी थोड़ा सा पानी लगा हुआ है, देख सकते हैं।
और ये बहुत बड़ा था और ये छोटा हो गया। लेकिन बाबा एक डाउट है कि जब रावण ने लघु शंका कर रहा था तो क्या उसके मन में क्या था कि इस क्षेत्र को पूरा डुबाने का कोशिश कर रहे थे का? नहीं, सब बात नहीं था। ये सब बात नहीं है। नहीं। देख सकते हैं यही है रावण का मतलब जहाँ मुता था। देख सकते हैं यहाँ के गाँव वालों ने इसको जो है चौताल के जैसा बना दिया है, सीढ़ी के जैसा बैठने उठने के लिए। और देख सकते हैं वो साइड भी नदी बना हुआ है, देख सकते हैं। और ये भी मतलब उधर से थोड़ा मट्टी भर भर के जो है इसको छोटा कर दिया है। रावण जो अब नहीं रहा है उसका नामो निशान जो है यहाँ का लोग जो है वो मिटा दिया है, इसलिए कि रावण ने इतना गलती किया था कि मतलब का बताए वो लघु शंका करके इस गांव को डुबाना चाह रहा। तो देख सकते हैं जहाँ रावण लघु शंका किया था अभी हम उसी जगह पर हैं। ये देखिए अभी मैं उसके गड्ढे में है जहाँ पर वो लघु शंका किया था। प्राचीन काल से जो है ये अभी चला आ रहा है और प्राचीन काल और 10-15 साल और रहेगा तो ये जो है नदी इसको भर दिया जाएगा। यहाँ के जो गांव वाले हैं इसको भर देंगे, इसलिए ताकि रावण तो नहीं रहा है लेकिन रावण का निशानी रहकर क्या करेगा। तो रावण ने ऐसे ही मतलब उनको लग गया था लघु शंका, तो वो थोड़ा निकालने के लिए आ गया था, जिसके कारण जो वो अपना शिवलिंग था लघु शंका लगा था शिवलिंग था जो मतलब विष्णु जी के चरणों हाथों में दे दिए थे। तब जाके विष्णु जी को बताया गया था कि 1-2 घंटे तक ये शिवलिंग को रखे रहो, हम आते हैं लघु शंका करके। तो विष्णु जी ने 1-2 घंटे के बजाय 3-4 घंटा रखा, उसके बाद जब नहीं आए तब जाकर जो है विष्णु जी नीचे रख दिए। उसके बाद रावण का लघु शंका रुक गया और रावण का लघु शंका रुक ही नहीं रहा था जब भगवान विष्णु ने शिवलिंग को नीचे रख दिया तब जाकर रावण का लघु शंका रुका। उसके बाद रावण ने भगवान विष्णु पर बहुत गुस्से हुए और गुस्सा के भी करेंगे क्या, वो जब शिवलिंग को उठाने गए तो नहीं उठा। उसके बाद जो है शिवलिंग को अंगूठे से दाब दिया गया जिसके कारण जो है शिवलिंग थोड़ा नीचे पड़ गया था, नीचे दब गया था। तो यही था रावण का कहानी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। जय महादेव, जय भोलेनाथ।